रेडियस ऑफ एंडमिल, ये मैक्सिमम कंडीशन है, मैक्स। आप इससे नीचे रख सकते हैं लेकिन इससे ऊपर नहीं जाना, ये 2/3 मतलब ऑलमोस्ट 0.66 होगा, तो आप 0.6 ही पकड़े, यानी 0.6 इंटू नोज रेडियस ऑफ एंडमिल। ये बेस्ट डेप्थ ऑफ कट है फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन। रफिंग में आप जो चाहे डेप्थ ऑफ कट ज्यादा दे सकते हैं, कम दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, एक फैक्टर और भी आता है, तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Strive to Skill में, और आज का टॉपिक है हाउ टू यूज एंडमिल फॉर एल्युमिनियम मशीनिंग एंड हाउ टू गेट फ्लैटनेस एंड सरफेस फिनिश विद द हेल्प ऑफ एंडमिल इन एल्युमिनियम मशीनिंग। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको छोटी सी छोटी जानकारी भी आपसे छूटे नहीं, और बने रहिएगा तो आप ही का फायदा है साहब। और जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं नए लोग, वो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी है अगर आपको कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों एल्युमिनियम जो होता है इज हाईली फॉर्मेबल वर्केबल लाइट वेट मटेरियल होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया। एल्युमिनियम इज अवेलेबल इन टू बेसिक फॉर्म, एक तो होता है कास्ट, एक होता है रॉड फॉर्म में। तो ये तो एल्युमिनियम के फॉर्म हो गया, और आपको मैंने बताया कि कास्ट जो होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है और जो रॉड होता है वो मोर एक्सपेंसिव होता है। अब देखिए हम बात करेंगे वो फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं एल्युमिनियम मशीनिंग के टाइम में, अगर आप ये हैंडमिल यूज कर रहे हैं, फैक्टर विच अफेक्ट ड्यूरिंग एल्युमिनियम मशीनिंग, ठीक है, जब आप एंडमिल का इस्तेमाल कर रहे हैं सॉलिड कार्बाइड एंडमिल का। तो इसमें ये फैक्टर है टूल ज्योमेट्री, आपकी टूल ज्योमेट्री क्या होगी, कैसी होगी, फ्लूट्स, उसमें फ्लूट काउंट क्या होंगे, कैसे होंगे, उस एंडमिल का हेलिक्स एंगल क्या होना चाहिए, डेप्थ ऑफ कट क्या होना चाहिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रनिंग पैरामीटर क्या होंगे, इसके रनिंग पैरामीटर्स जो भी है वो कैसे होंगे। तो हम एक एक करके ये सारे फैक्टर्स पे डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे। तो दोस्तों पहला फैक्टर है टूल ज्योमेट्री। टूल ज्योमेट्री में हम बात करेंगे कोटिंग की, यानी किस टाइप का कोटिंग आपको चाहिए एंडमिल में फॉर एल्युमिनियम मशीनिंग। तो एक आता है कोटिंग गोल्ड कलर, ZRN, यानी जिरकोनियम नाइट्राइड। ये ज्यादा यूज होता है और ये बेटर भी है, लेकिन ये जो टाइटेनियम डाइब्रोबोराइड है यानी TiB2, ये बहुत कम लोगों को मालूम है लेकिन ये हाईली इफेक्टिव होता है। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि अगर ये कोटिंग आपको अवेलेबल हो एंडमिल में तो बेस्ट है, नहीं तो ये तो चाहिए ही, ये जिरकोनियम नाइट्राइड या तो टाइटेनियम डाइबोराइड। अब हम अगले फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि फ्लूड्स, यानी नंबर ऑफ फ्लूड्स क्या होंगे और कैसे रहेंगे। तो दूसरा फैक्टर है फ्लूड, और ये रियल की फॉर हाई परफॉर्मेंस होता है फ्लूड। और आपको जो एल्युमिनियम में यूज करना है फ्लूड काउंट, वो भैया आपको 2 फ्लूड या 3 फ्लूड का करना है। 3 फ्लूड से ज्यादा आपको यूज नहीं करना है, नॉर्मली आपने यूज किया होगा अगर दूसरे मटेरियल्स होंगे तो 4 फ्लूड 5 फ्लूड या उससे ज्यादा भी, क्योंकि विद हाई फ्लूड काउंट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू इवैक्यूएट चिप प्रॉपरली, क्योंकि आप यहाँ हाई स्पीड यूज करते हो एल्युमिनियम मशीनिंग के टाइम में, जो कि रिक्वायरमेंट है भी और वो करना भी चाहिए। तो आपको जो फ्लूड काउंट होंगे वो मैक्सिमम 3 यूज करना है, नहीं तो आपको 2 यूज करना है। मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप 2 फ्लूड यूज करो, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यूज करता हूँ 2 फ्लूड जो होते हैं वो रफिंग ऑपरेशन में, और 3 फ्लूड यूज करता हूँ फिनिशिंग ऑपरेशन में, ताकि आपको बेटर सरफेस फिनिश एज वेल एज आपका फ्लैटनेस भी अचीव हो जाए, ठीक है। अभी हम अगले इसके फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि है हेलिक्स एंगल। तो दोस्तों तीसरा फैक्टर जो है वो है हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल एंडमिल का। हेलिक्स एंगल क्या होता है, अगर आपका ये एक एंडमिल है, एक रफली मैं बना रहा हूं, तो ये जो सेंटर लाइन है और इसका जो कटिंग एज के बीच का जो एंगल होता है ये होता है हेलिक्स एंगल। तो फॉर रफिंग ऑपरेशन एल्युमिनियम में आप यूज कीजिए 35° या 40° का हेलिक्स एंगल वाला टूल, और फॉर फिनिशिंग मैं प्रेफर करूंगा 45° का। आप ये भी यूज कर सकते हैं फिनिशिंग में, लेकिन बेटर वे ये होगा।
और इन सब चीजों में मैं बार बार रफिंग और फिनिशिंग का बोल रहा हूँ, तो ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको बेटर फिनिश और सर फ्लैटनेस चाहिए तो आपको एक रफिंग का टूल और एक फिनिश का टूल यूज करना ही पड़ेगा। और अगर आपको सिर्फ रफिंग चाहिए, कुछ ऐसा फ्लैटनेस और फिनिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप सिर्फ रफिंग का टूल यूज कीजिए। अब हम अगले फैक्टर के बारे में बात करेंगे। दूसरा दोस्तों, आप इसमें जो भी है चिप ब्रेकिंग वाले टूल यूज कर सकते हैं। चिप ब्रेकिंग का टूल रहेगा वो मैंने उसमें फैक्टर्स में नहीं लिखवाया है, लेकिन चिप ब्रेकिंग के भी टूल्स आते हैं एंड मिल। तो जितना अच्छा चिप ब्रेकिंग होगा उतना अच्छा चिप जो होगा इवैक्यूएट होगा और आपकी फिनिशिंग और फ्लैटनेस पे वो इफेक्ट डालेगा। और दूसरी चीज एक उसमें और भी फैक्टर है कि आप हाई बैलेंस अगर एंड मिल विद थ्रू कूलेंट लेते हैं तो ये एक और अच्छा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि डेप्थ ऑफ कट आपको कितना लेना चाहिए। तो ये अगला फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेप्थ ऑफ कट। तो देखिए दोस्तों, आप रफिंग में डेप्थ ऑफ कट कम ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन थंब रूल, जो मेरा थंब रूल है या बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं मशीनिंग एक्सपर्ट हैं उनका भी कमोबेश यही थंब रूल है कि डेप्थ ऑफ कट कितना होना चाहिए, 2/3 ऑफ नोज रेडियस ऑफ एंड मिल। और ये सिर्फ एंड मिल के लिए ही नहीं, आप हर एक जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। इंसर्टेड एंड मिल हो या कोई इंसर्ट मिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये जो है डेप्थ ऑफ कट इतना या इससे कम होना चाहिए। यानी आपका जो डेप्थ ऑफ कट है वो 2/3 ऑफ नोज रेडियस ऑफ एंड मिल, ये मैक्सिमम कंडीशन है। मैक्स आप इससे नीचे रख सकते हैं लेकिन इससे ऊपर नहीं जाना। ये 2/3 मतलब ऑलमोस्ट 0.66 होगा, तो आप 0.6 ही पकड़े, यानी 0.6 इंटू नोज रेडियस ऑफ एंड मिल, ये बेस्ट डेप्थ ऑफ कट है फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन। रफिंग में आप जो चाहे डेप्थ ऑफ कट ज्यादा दे सकते हैं, कम दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज एक फैक्टर और भी आता है कि जो आपका L/D रेशियो है, आपका जो है टूल का L/D रेशियो होता है, यानी लेंथ, टूल का लेंथ कितना है आपका और उसका डायमीटर, ये L/D रेशियो जो है वो आपका जो है वो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 से कम रहेगा तो आपके लिए बेटर है और आप इफेक्टिवली फ्लैटनेस और फिनिशिंग उसका अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, L/D रेशियो इज लेस देन एंड इक्वल टू 3, ये भी एक की फैक्टर है। ओके, तो अब तो ये है रनिंग पैरामीटर। रनिंग पैरामीटर में आपको क्या है आप जानते हो कि इसमें क्या होता है, RPM फीड ये सब कितना रखना है, इसके बारे में ये डिटेलिंग है। तो अगर आपका एक कास्ट एल्युमिनियम होगा तो उसमें SFM यानी सरफेस फीड पर मिनट, ये 500 से 1000 के बीच रखिए। और RPM का फॉर्मूला क्या होता है, 3.82 इंटू SFM डिवाइडेड बाई डायमीटर ऑफ टूल, और ये किस में रखना है, इंच में, ये ध्यान रखिएगा, ये इंच में आपको यहाँ पे रहेगा। यानी RPM का ये फॉर्मूला ये आप मेमोराइज कर लीजिए, ये आपको यूज करना है। RPM इज इक्वल टू 3.82 इंटू SFM, यानी 500 से 1000 के बीच जो भी रखेंगे, अगर आपको 800 आपने रखना है तो आप 800 रखिए, और डायमीटर जो भी एंड मिल का है, सपोज अगर आप 16 mm का डायमीटर यूज कर रहे हैं एंड मिल का, तो उसको पहले इंच में कन्वर्ट करके वो यहाँ पे रखिए, और अगर इंच है ऑलरेडी तो आप उसे इंच में मेंशन करिए। फिर रॉट एल्युमिनियम के लिए SFM क्या होगा, इसमें थोड़ा ज्यादा होगा, ये हम क्या रखेंगे 800 से 1500 के बीच, तो 800 से 1500 के बीच रखेंगे। और RPM का सेम यही फॉर्मूला होगा जो यहाँ पे होगा, क्योंकि वो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, यानी RPM यहाँ पे भी 3.82 इंटू SFM डिवाइडेड बाई डाया ऑफ एंड मिल, और ये होना चाहिए इंचेज में। अब ये तो आपका RPM निकल गया, अब फीड कितना रखना है, तो फीड जो है आपका, वो 0.1 से 0.4 के बीच में रखेंगे। तो बेस्ट ये है कि आप इसके बीच में रखिए, यानी 0.2 में रेफर करूंगा फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए। भी मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं वो अगर पॉइंट आप थॉरली यूज करेंगे, आप डेफिनेटली यूज करके देखिएगा, तो आप ये अगर सारे पॉइंट फॉलो करते हैं 1/1 तो आप जरूर इसमें आप अचीव कर पाएंगे फ्लैटनेस और फिनिशिंग। लेकिन इसके साथ कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे आप कोई कंपोनेंट क्लैम्प करते हैं तो उसका क्लैंपिंग कंडीशन कैसा है। अब अगर आपने कंपोनेंट लूज क्लैंप कर दिया और बाद में बोला अरे खान सर ने तो हमें बताया था वीडियो में कि इससे आएगा, अच्छा आपने सारा चीज किया लेकिन क्लैंपिंग तो प्रॉपर होना चाहिए ना,
तो ये सारी चीजें भी आपको रखनी है कि फिक्चर का कंडीशन क्या है, आपका टूल ज्यादा ओवरहैंग, आप एडाप्टर या बाकी चीजें यूज मत करो, आपको उसका जो रिशार्पनिंग वगैरह है उसका फ्लूट्स या जो भी उसके एजेस है वो प्रॉपर रिशार्प्ड होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं और ये आपको फॉलो करना है। साथ ही में मैंने जो आपको की पॉइंट्स बताए हैं ये आपको जरूर फॉलो करना है, तो आप डेफिनेटली इसमें फ्लैटनेस और सरफेस फिनिश अच्छा अचीव कर सकते हैं। और देखिए मैं दोस्तों, मैं जो भी ये वीडियोस बना रहा हूँ कुछ चीजें तो कुछ वीडियोस तो कॉमन है, मतलब जैसे आपने और भी यूट्यूबर्स के देखे होंगे, कुछ ऐसे मैं वीडियोस बनाता हूँ जो कि रियल लाइफ में लोगों के साथ चैलेंजेस होते हैं, तो डेफिनेटली उसमें से एक ये भी है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया होगा कि फ्लूट्स कितने होते हैं क्या होते हैं, लेकिन इतना डिटेल में कोई नहीं बताया है होगा आपको, आप पूरे यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो प्रॉब्लम मुझे आए और जो मैंने सॉल्व किया है वो आप भी सॉल्व कर सको। तो दोस्तों थैंक यू।